जान के बदले एक जाम, अब क्या होगा या क्या हो सकता है। वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कविता इज हेयर। थंबनेल से आपको कंफर्म हो गया होगा कि आज हम क्या जानने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं। आज संपूर्ण देश के छात्रों की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी रही, तो चलिए पहले फाइनल डिसीजंस की हाइलाइट्स देख लेते हैं। विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा का आयोजन सितंबर माह में कराने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। फाइनल ईयर की परीक्षा होगी। 30 सितंबर तक परीक्षा कराने के यूजीसी के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। राज्य सरकार कोरोना काल में खुद से एग्जाम नहीं कराने का फैसला नहीं कर सकती। महामारी के इस दौर में परीक्षाएं संपन्न करवाना सही फैसला है या नहीं। देश में उठी विरोध की लहर, जैसा कि हम जानते हैं शिक्षा संवर्ती सूची में शामिल है। दैट्स मीन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साझा अधिकार इसमें वर्णित हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य को क्या निर्देश दिए गए हैं, इसे भी जानना अति आवश्यक है। राज्य सरकार UGC के अनुमति के बिना छात्रों को प्रमोट नहीं कर सकती। जिन राज्यों को कोरोना संकट काल में एग्जाम कराने में दिक्कत है, वह UGC के पास एग्जाम टालने की एप्लीकेशन दे सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दैट सभी राज्यों को परीक्षा करानी होगी। नेक्स्ट वन, पिछले साल या सेमेस्टर के नंबर के आधार पर इस साल छात्रों को पास नहीं कर सकते। देश भर के विद्यार्थी, उनके अभिभावक, शिक्षक व शिक्षा जगत से जुड़े सभी लोग फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर काफी दुविधा में हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि सितंबर में फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाई जाएंगी या नहीं। सितंबर में भी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होनी मुश्किल, वजह इस माह UGC नेट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होनी है। ये परीक्षाएं सितंबर में ही होनी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से 6 से 11 सितंबर तक दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा, इग्नू की MBA की प्रवेश परीक्षा 15 सितंबर को निर्धारित है। UGC नेट 16 से 18 सितंबर और 21 से 25 सितंबर को होना है। NEST कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट CLAT 7 सितंबर को प्रस्तावित है। इसके अलावा अन्य परीक्षाएं भी हैं। जैसा कि आप इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के आधार पर समझ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यों को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वो अपने स्तर से परीक्षा के संदर्भ में निर्णय ले सकते हैं। सो नाउ वी कैन से दैट कि राज्यों द्वारा वार्षिक परीक्षा की रणनीति प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए ही जारी की जा सकती है। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यही बेल सजेस्ट करना चाहूंगी कि परीक्षा के लिए अब आप कोई भी कोताही ना बरतें, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि अगर चुनौतियां रुलाती हैं तो वह भविष्य की राह भी दिखाती है। ओके बाय, स्टे कनेक्टेड, कीप स्माइलिंग फॉरएवर।